तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो हमारी जो पहली न्यूज़ निकल के आ रही है वो है एमी वे बंटाई के बारे में। तो एमी वे बंटाई का न्यू ट्रैक का पोस्टर रिलीज़ हो गया है, तो उस ट्रैक का नाम है कापरू। वो हमें ट्रैक 22 को देखने मिल जाएगा। अगली न्यूज़ की तरफ, तो मुफ्त को किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि स्टैन का एल्बम सुना? अगर नहीं सुना तो सुन मेरे भाई कड़क है। तो इसी पे मुफ्त ने बोला सुन ली। तो आप लोगों की इस पे क्या राय, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो जो केजा सी है, तो केजा सी का कोई कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुआ था जिसमें एमसी स्टैन की जो गर्लफ्रेंड अनम और जो प्रतीक लास्ट किंग थे वो भी थे। तो आप लोग सुन सकते हैं वो ऑडियो क्लिप। हेलो, एक सेकंड रुक। कैसे? हाँ, आवाज आ रहा है क्या? आ रहा आ रहा, बहुत स्लो आ रहा। एक सेकंड रुक, मैं आलम को ये कर रहा है, ऐड कर रहा। कुछ झगड़े वगैरह मत करा बाबा, पहले झगड़े नहीं नहीं मिलने की बात करने की। मेरे को हाइट की बात मत कर, हाइट में प्यार से बात कर। प्यार से? प्यार से? हाँ रुक एक सेकंड, कॉल लगा। तुम्हें क्या व्यक्ति बोले था? हर क्या वैसे आनंद, हेलो, हाँ बात करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम, बोल। हाँ मैं क्या बोल रही हूँ, अपन ना झगड़ा वगैरह नहीं करते, ठीक है? तुम स्टैन ये सब ठीक है? स्टैन हाँ, धीरे थोड़ा धीरे 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 बात करो ना, धीरे धीरे धीरे। देखो प्रतीक, प्रतीक देखो कौन चिल्ला रहा है, कौन चिल्ला रहा है, देखो तुम बात कर रही हो वैसा चलो तुम। हाँ तेरा आवाज भी इतना लाउड है यार, तू क्यों इतनी हाई बोल रही है? मैं तुझे ये बोल रही हूँ, मैं रोड पे हूँ, इससे मैं रोड से बात कर रही हूँ। मैं ट्रेन में हूँ, मैं फिर इतना आराम से बात कर रही हूँ। हाँ बोलो। बट अब तो अरे तू एसी के ट्रेन में घूम रही होगी शायद। सुन मैं क्या बोल रही हूँ तेरे को, देख मुझे तेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो इनफैक्ट इतना होके तुझे खुद बोली कि अगर तू उसके साथ रिलेशनशिप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं करके, लेकिन तूने उसने क्या मेरे बारे में गलत बोला या तूने उसको क्या बोली कि मुझे कुछ पता नहीं। मैं तो तुमको जानती भी नहीं हूँ, मैं क्यों बोलूँ तुम्हारे बारे में? मैं जानती भी नहीं हूँ। उसने मेरे को खाली इतना सुनो ना उसने खाली इतना बोला कि मेरा पास जो है और पास की जो लड़की थी उसने मेरे को बहुत हर्ट की, तो मेरे से पास के बारे में बात मत करो। मैं एक साल से वो लड़की मेरे फोन से ब्लॉक है। बट तुमने मेरे को क्या बोला कि कल ही उसका कॉल आया, उसके लिए ऑब्वियसली किसको भी हाइप होएगा ना, सिंपल सी बात है, एकदम ऑब्वियसली बात है। हाँ ठीक है, मैंने तेरे को ऐसा बोली कि कल उसका फोन और हाइप तुम के लिए यू आर लाइंग, यू आर लाइंग टू मी। तूने मुझे ऐसे बोली कि नो स्टॉप, और फिर मैंने तेरी ऑलरेडी स्टोरी देखी, मतलब मैंने तेरा स्टोरी नहीं देखी। फर्स्ट ऑफ ऑल तेरा इंटेंशन ही गलत था मुझे बोलने का। मुझे मेरी एक फ्रेंड ने वो स्क्रीनशॉट निकल के भेजी जिसमें तेरा और स्टैन का पैर था, तो अरे माई स्टैन के साथ घूम रही है करके। तो मैंने बोली कि ठीक है ना घूम रही है, या तो वो उसकी होमी रहेगी या फ्रेंड रहेगी करके। सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना मेरी जान, सुनो ना मैं क्या बोल रही हूँ कि तुम मेरे स्टोरी देखे, एक हफ्ता हो गया तुम मेरे स्टोरी देखे, और मेरे को पता है कि तुम कौन हो, तुम स्ट्रेंजर नहीं हो ना, मेरे को पता है आनंद कौन है। इसके लिए मैंने तुमको पूछा कि कोई कुछ कुछ विषय है क्या, मैं ऐसे बात करूँ ना, बोलो ना क्या, मैं बात करती ना तुम्हारे से, इसके लिए मेरा ऐसा था कि तेरा और उसका कुछ नहीं, वी वर डेटिंग, वी आर इन रिलेशनशिप करके। देख जिधर मेरे को भी थोड़ा बुरा लगा, और वो जो पास कर रहा है ना उसको भी बुरा लगेगा। ठीक है ना, मैं जानती हूँ अभी तू फुल प्यार में गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो तो कैसे बोला ना कि वी आर, हाँ तू वी आर इन रिलेशनशिप करके, तुझे जैसा चटका लगा ना वैसे मुझे भी बुरा लगा। वो प्रतीक को पूछ ले, प्रतीक एकदम हाई ये प्रूफ है अपने पास। प्रतीक वर्धन तू बोलता है मेरे घर पे कितने बार आया है, अगर मैं उसका एक फोन भी नहीं उठाई तो वो आया है। तो मैं उसको रोज बोला देखो कुछ नहीं मालूम है कैसा, तो हाइप मत ले। मैंने बोला बहुत लड़की लोग आके घर ले, पर ये एक लड़की फिक्स्ड है नहीं क्या, वो कुछ भी बोलने दे इसके बारे में। तो क्या मतलब वो इसको नहीं समझ रहा है पहली बात तो, और सेकंड थिंग इज देखो अरे कैसा तेरे को नहीं पता मैंने उसका फोन नहीं उठाई है, तब भी मेरे घर पे आके बोला कि अनम मेरा तो ये प्रॉब्लम जाता है। क्यों मेरे को वो नहीं समझ में आ रहा है? हाँ क्लियर हो गया ना बात, बात क्या करना है मेरे को, क्लियर करके मिल के बात करते ना अपन। नहीं देख मुझे भी कोई हाइप नहीं किया, अगर फैन ने मेरे बारे में तेरे को सहू भी गलत बोला रहेगा तो भी मैं बोलती कि ठीक है चल चलेगा, उसने मेरे बारे में कुछ ही बोला रहेगा तो मैं तेरे को ये नहीं बोल रही कि तू मुझे बोल, तू मुझे बोल कि उसने मेरे बारे में क्या बोला, क्योंकि मुझे पता है लोग के सामने मेरे बारे में क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। हाँ मेरे पास सब है, उससे
तो आप लोग केजासी और एमसी स्टैन का जो चैट्स और फोटोज है वो देख सकते हैं। वो तो आप लोगों को क्या लगता है, केजासी ने जो भी किया है वो सही किया है? आप लोगों को क्या लगता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो एक्का ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली थी जिसमें आप लोग देख सकते हो एमसी स्टैन का जो इंसान एल्बम है उनका माँ बाप ट्रैक है वो ट्रेंडिंग पे चालू है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।